क्या आप गूगल क्रोम की हिस्ट्री को क्लियर करना चाहते हैं, यानी आपके फोन में जो आपने गूगल क्रोम ऐप डाउनलोड की हुई है, क्रोम में जो भी वेबसाइट विजिट करते हैं, अगर आप उसकी हिस्ट्री क्लियर करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। इसका ऑप्शन आपके गूगल क्रोम में ही मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, और गूगल क्रोम आप जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा 3 डॉट, यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको सेटिंग की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं न्यू टैब न्यू, ये ऊपर जो कुछ ऑप्शन है, नीचे भी कुछ ऑप्शन है, और यहाँ पे बीच में एक ऑप्शन बना हुआ है हिस्ट्री का, जैसा कि भी आप देख पा रहे हैं कि थर्ड जो ऑप्शन है वो हिस्ट्री का है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी, तो आप जो जो वेबसाइट विजिट कर रहे हैं गूगल क्रोम पे उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, किस डेट को आपने कौन कौन सी वेबसाइट विजिट की है, पूरी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको अगर हिस्ट्री देखनी है तो आप देख सकते हैं, और आप तो हिस्ट्री अगर क्लियर करना चाहते हैं, हिस्ट्री को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे ऊपर मिल रहा है क्लियर ब्राउजिंग डाटा। ये क्लियर जो ब्राउजिंग डाटा है इसी से आपकी जो हिस्ट्री वो डिलीट हो जाएगी, तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्लियर ब्राउजिंग डाटा, तो आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्शन किस चीज़ का मिलेगा, हिस्ट्री डिलीट करने का, यानी आप जो भी हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं उसके कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, और उसके आधार पे आप अपना डाटा क्लियर कर सकते हैं, आप हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, लास्ट आवर, यानी अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हैं लास्ट आवर का, इसका मतलब जो लास्ट आवर में जो भी आपने कौन कौन सी वेबसाइट विजिट की या जो भी आपका डाटा है वही डिलीट होगा, उससे पहले का नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको टाइम चूज करना पड़ेगा, आप ऑल टाइम यानी फुल जो भी आपने अभी तक विजिट किया है पूरा डिलीट करना चाहते हैं तो ऑल टाइम कर दो, और लास्ट 4 वीक्स का करना चाहते हैं ओनली तो ये ऑप्शन आप चूज कर लो। तो इसमें से जो ऑप्शन चूज करेंगे खाली वही डाटा वही हिस्ट्री डिलीट होगी। तो मैं ऑल टाइम चूज कर रहा हूँ, टाइम में यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, यानी ऑल टाइम यानी अभी तक जो भी डाटा मैंने ब्राउजिंग किया है इसमें मेरे गूगल क्रोम में, वो पूरा जो है वो डिलीट हो जाएगा, पूरी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल रहा है, ब्राउजिंग हिस्ट्री आप डिलीट करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कीजिए, कुकीज एंड साइट डाटा, कुकीज और साइट डाटा यानी जो भी आपका कुछ डाटा रह जाता है साइट का, जैसे आप कोई साइट विजिट करते हैं तो कुछ डाटा आपके इसमें गूगल क्रोम ब्राउजर में रहता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप विजिट करें तो पूरे डाटा उसको दोबारा से डाउनलोड नहीं करना पड़े, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उस साइट की यहाँ पे आपके गूगल क्रोम में स्टोर रहती है। तो कुकीज एंड साइट डाटा आप सेलेक्ट करेंगे तो वही डाटा भी डिलीट हो जाएगा, और कैश इमेजेस एंड फाइल्स, कुछ जो और इमेजेस उस साइट की और कुछ फाइल्स टेम्पररी फाइल्स जो स्टोर रहती है उनको भी अगर आप डिलीट करना चाहते हैं इसको भी सेलेक्ट रखिए। अगर इनको तीनों को सेलेक्ट रखेंगे तो पूरा का पूरा कंप्लीटली डाटा, ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज एंड साइट डाटा और कैश इमेजेस एंड फाइल्स, ये सारी चीजें आपकी डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में जो क्लियर डाटा यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करते ही आपको क्या है, या कुछ साइट की यहाँ पे लिस्ट दिखा रहा है कि ये साइट है, इनका पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा जो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी साइट का डाटा डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको अनचेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप सब कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो सीधा आप क्लियर पे क्लिक कीजिए। जैसे क्लियर पे क्लिक करेंगे, क्लियरिंग ब्राउजिंग डाटा प्लीज वेट, अभी आपका पूरा डाटा डिलीट हो रहा है यानी हो चुका है, पेज दैट यू विजिट अपीयर है, अभी कोई भी हिस्ट्री नहीं है, आपकी पूरी हिस्ट्री वो डिलीट हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप क्रोम की हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं, राइट। अभी आप दोबारा चेक करते हैं, सेटिंग में जाके हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई हिस्ट्री नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है वो हिस्ट्री को डिलीट कर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बहुत ही ईजी ऑप्शन है, और आप इमिडिएटली अपने क्रोम ब्राउजर का डाटा डिलीट कर सकते हैं या हिस्ट्री क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस प्रकार से गूगल क्रोम से संबंधित और अपडेट फ्यूचर में आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।